नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। तमाम दर्शकों को, तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, राजनीतिक चर्चाओं में बात करेंगे इस खास कार्यक्रम के दौरान हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति पिछले कुछ दिनों से वाकई दिलचस्प बनी हुई। हरियाणा में जब से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को इस 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि इस बार 10 साल का सूखा खत्म होकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कमाल कर दिया, 2014 का भी यहाँ पर आंकड़ा ध्वस्त करते हुए 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत होते ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव संपन्न करवाने की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। कई यहां पर जो मतगणना केंद्र थे, उन मतदान केंद्रों पर ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गई, कहीं पर सीसीटीवी जो कैमरे थे उनके बंद होने की खबरें आई, और कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान हार होने पर यहाँ चुनाव आयोग का रुख किया। चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी को फटकार लगी है, झटका लगा है और तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। 99% बैटरी चार्ज होने के बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर जो है मतदान जो हुआ था उस दौरान यहाँ पर बैटरी चार्ज पाई जाती है, और आखिरकार मतगणना में भी वो बैटरी उन मशीनों की डेड नहीं होती है, यानी कि डिस्चार्ज नहीं होती है, और वो बैटरी डिस्चार्ज न होने का कारण सीधा ये है कि मशीनों में धांधली पाई गई। ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा का सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार कर दिया है। नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा को कहा कि जिस तरीके का यहाँ पर परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उनको उम्मीद दिखाई दे रही थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जीत मिलने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, ऐसे में उनके सपनों पर पानी फिर गया। और नायब सिंह सैनी यहाँ ये कहते हुए नजर आए कि हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी जिसको बीजेपी ने खत्म किया है, और इसीलिए तीसरी बार प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। इससे आगे बढ़ते हैं, मुद्दा अब किसानों से संबंधित है। किसानों से संबंधित मुद्दे पर नायब सिंह सैनी अपनी ही सरकार के विधायकों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता किसानों पर पराली को जलाने को लेकर दर्ज हुई FIR के खिलाफ उतर गए। आपको बता दें कि किसान भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो भी विधायक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए हैं उनके पास जा रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, और शिकायतें दर्ज करवाते हुए किसानों का ये कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, आपको बता दें कि 300 से ज्यादा किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, और ऐसे में किस तरीके से एक किसान जो कि एक गरीब तबका है, क्योंकि उसकी फसल MSP पर नहीं खरीद की जा सकती है, उसकी फसल बारिश के चलते खराब हो जाती है, ऊपर से सरकार के द्वारा FIR दर्ज करना और जुर्माना लगाना किसानों के लिए काला कानून है, और ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि किसानों पर अत्याचार न करते हुए उन्हें वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाए जिनसे किसान का उद्धार हो सके। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम जींद के सफीदों पहुंचते हैं। सफीदों में किसानों के साथ मुलाकात होती है और किसान ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर गौतम साहब, आपकी सरकार है, आप हमारे ऊपर दर्ज हुई FIR को वापस करवाइए, जिस पर यहाँ रामकुमार गौतम ये उनको आश्वासन दिलाते हुए नजर आते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि CM नायब सिंह सैनी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और हरियाणा के किसानों को राहत देने का काम करेंगे। दर्शकों, जिस तरीके से हरियाणा में किसानों का बड़ा मुद्दा हमेशा से एक चुनावी मुद्दा रहता है, उसी तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा प्रखरता के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया। इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ही निशाना बना लिया। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास तो दिखाया है, लेकिन दर्ज होती FIR, दर्ज होते मुकदमों के चलते आखिरकार किस तरीके से किसान की प्रगति हो पाएगी, किस तरीके से किसान आगे बढ़ पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
और बीजेपी के विधायक ही जब नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा लिए जाने वाले इन एक्शन के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आखिरकार आगामी वक्त में किस तरीके से नायब सिंह सैनी अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, बड़े बड़े सवाल हैं। और बड़े सवालों के बीच नायब सैनी सरकार मझधार के बीच फंसी हुई है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है, लाडवा मंडी का रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक, क्योंकि लाडवा से नायब सिंह सैनी जो है विधायक है और मुख्यमंत्री भी है, ऐसे में वो एक बड़ी हॉट सीट है। और वहां पर भी जब कांग्रेस के विधायक जाते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि खुद मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ही किसानों की दुर्दशा है, तो बाकी हरियाणा में आप किसानों की स्थिति को अच्छा कैसे मान सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि किसानों पर सरकार बनते ही फिर से अत्याचार किया जाने लगा है, किसानों पर फिर से जुल्म ढहाया जा रहा है, बीजेपी की सरकार किसानों की फसल की खरीद नहीं कर रही है, जबकि यहाँ पर किसानों के ऊपर अत्याचार, उन पर FIR दर्ज हो रही है। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश सरकार एक एक दाने को MSP पर खरीदेगी और किसान का सीधा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। किसानों के मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अहिरवाल के इलाके से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिंचाई विभाग के 16 टेंडर्स को राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अहिरवाल के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा भी नायब सिंह सैनी को घेरते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला, जो कि भूजल स्तर में डार्क जोन में दिखाई देता है, उस जिले में सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा देना, उनको निरस्त कर देना, कहीं ना कहीं इलाके के लिए एक निराश कर देने वाला फैसला है। लोगों में काफी यहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग नायब सिंह सैनी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो टेंडर निरस्त किए गए हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए, जिससे कि इलाके के लोगों की फसल, उनकी खेती, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन यापन के तरीकों पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नायब सिंह सैनी सरकार मात्र 2 हफ्ते के कार्यकाल के दौरान ही घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हरियाणा में किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोग विधायकों का जुटा पाती है, क्योंकि राज्य में जो कृषि मंत्रालय का जिम्मा मिला है वो भी एक किसान बाहुल्य इलाके से आने वाले महिपाल ढांडा को मिला है, जो खुद एक बड़े किसान परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में रामकुमार गौतम हो, रामविलास शर्मा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तमाम नेता जो है नायब सिंह सैनी को अग्नि परीक्षा की तरफ जो है आगे बढ़ा रहे हैं। देखना ये होगा कि प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते हुए नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर किस तरीके से खरा उतर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।